जब करण ने प्रीता का इल्जाम अपने सिर ले लिया तो आपको उस वक्त उसके कान खींच के अपने घर ले आती, और अगर वो नहीं मानता तो थप्पड़ जड़ के लगाती, फिर भी अपने घर ले आती, पर घर तो लाती ना उसे। अरे करण को तो आपने अपने कोख से जन्म दिया है ना, और फिर भी आपने सच में करीना सच कह रही थी कि आप प्रीता को इस घर में बहू बना कर लाई, और मैं आपको सच बोल रही हूं, प्रीता इस घर के लिए शुभ नहीं है बाकी। वो शुभ नहीं है। मम्मी चुप हो जाओ, अब आगे एक शब्द मत बोलना। मेरे बेटे ने जो प्रीता के लिए किया उस बात को लेकर मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है, उल्टा नाज है मुझे मेरे करण पे। और रही बात करीना दी की, तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जब से प्रीता इस घर में आई है ना, करीना दी उसे पसंद नहीं करती। शुरुआत से लेके उन्हें हमेशा लगता था कि प्रीता हमारी फैमिली के अफेयर्स में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर करती है। उन्हें प्रीता पसंद नहीं थी क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रीता हमारी स्टैंडर्ड की नहीं है, इसलिए बेवजह कभी कभार प्रीता में से नुक्स भी निकालती थी, उसे डांट भी देती थी। उनकी सोच प्रीता को लेके गलत थी, लेकिन मेरी प्रीता कभी गलत नहीं थी। लगता है तुम करीना दी के साथ आजकल कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रही हो, इसलिए उनकी जुबान बात कर रही हो। मेरी सलाह मानो तो करीना दी से थोड़ा कम बात किया करो, उनकी सोच अपनी सोच मत बनाओ। वो उनकी सोच है लेकिन वो सच नहीं है, और दोनों बातों में बहुत फर्क है। और रही बात मेरी, तो हाँ मैं माँ हूं, मेरे सीने में भी दिल है, और मेरा दिल मेरे बच्चों के लिए धड़कता है। लेकिन आज मेरे करण ने जो कुछ भी किया बहुत सही किया। नाज है मुझे मेरे बेटे पे कि उसने मेरी बहू पे गलत इल्जाम जो लगा था उसने अपने सिर पे ले लिया। करण ने जो किया है ना, जिगर वाला काम किया है, मुरादों वाला काम किया है, एक अच्छे पति होने का फर्ज निभाया है मेरे करण ने। मुझे अफसोस बिल्कुल नहीं है। सुना तुमने पम्मी, तुम काफी सालों के बाद हमारे घर आई हो, लेकिन करण को तो बचपन से जानती हो ना, बचपन से लेके आज तक करण का जुनून, उसका पागलपन सिर्फ इस चीज को लेकर है, और वो है क्रिकेट। उठते बैठते बस क्रिकेट। वो मैचेस खेलता था, ट्रॉफीज जीत के आता था, और उसकी जीत में मैं अपनी जीत देखती थी, खुश हो जाती थी कि आज मेरा करण पुत्र इतना बड़ा फेमस क्रिकेटर बन गया है, इतने मैचेस जीत गया है, उसकी इतनी फैन फॉलोइंग हो गई है। लेकिन इसके बावजूद मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं हार गई कहीं पे, शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, क्योंकि करण तो बहुत बड़ा इंसान बन गया, बहुत फेमस क्रिकेटर बन गया, लेकिन वो खुद गर्ज बन गया। वो प्यार करता था तो सिर्फ खुद से। लाख बार मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि करण क्रिकेट के साथ साथ बिजनेस में भी पापा जी का हाथ बटाया कर, लेकिन नहीं, उसे तो हर वक्त पर क्रिकेट मैचेस, ट्रॉफीज, वही सब दिखाई देता था। वो अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे उसे और कुछ नजर ही नहीं आता था। उसे हमने समझाने की कोशिश की, डांटने की कोशिश की, लेकिन हर बार ऋषभ बीच में आ जाता था, करण की ढाल बन के खड़ा होता था, और ऋषभ कहता था, माँ मैं हूं ना, पूरा बिजनेस मैं संभाल लूंगा, आप करण को उसके करियर पे कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए, मैं सारा बिजनेस संभाल लूंगा। और बस ऋषभ की बातें सुन के हम चुप हो जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता तो था कि मेरा करण कहीं भटका हुआ है,
बिखरा हुआ है, मैं उसे कैसे समेटूं? और फिर प्रीता, प्रीता आ गई हमारे घर। प्रीता और करण की शादी हो गई। मुझे ऐसा लगा कि जब से प्रीता करण की जिंदगी में आई है ना, तो मेरे करण को एक सही दिशा मिल गई है जिंदगी में। उसके सीने में जो दिल धड़कता है ना, वो उस दिल की बातें सुनता था। जिम्मेदार होते क्या, जो उससे प्यार करते थे उस प्यार को समझने लगा, वो रिश्तों को समझने लगा, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है वो समझने लग गया। मेरा बेटा समझदार बन गया प्रीता के आने के बाद। शुरुआत में वो प्रीता से प्यार नहीं करता था, दोनों के बीच में नोक झोंक होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन मैं माँ हूं ना, मैंने करण की आंखों में वो प्यार देखा प्रीता के लिए। और फिर वक्त के साथ साथ जब दोनों की शादी हो गई, फिर तो बहुत सारे बदलाव आ गए करण में। घर की जिम्मेदारी उठाने लगा, प्रीता को समझने लगा, अपने परिवार वालों को समझने लगा। ये जो भी करण में बदलाव आए हैं ना, वो बदलाव प्रीता लेके आई है। करण ने देखा, प्रीता की कुर्बानी देखी। जब भी हमारे लूथरा परिवार पे कोई मुसीबत आती, कोई तूफान आता है इस घर पे, तो प्रीता दहलीज बनके खड़ी हो जाती, ढाल बनके खड़ी हो जाती। उस ढाल को लांग के इस घर में कभी कोई तूफान, कोई मुसीबत अंदर आ नहीं सकी। क्यों? क्योंकि प्रीता खड़ी होती थी। आज अगर मेरे बेटे ने इस घर के दहलीज को बचाया है, तो उस दहलीज को बचा के उसने अपने परिवार को बचाया है, इस घर की ढाल को बचाया है। और उस ढाल का नाम है प्रीता, प्रीता करण लूथरा। मेरी बहू, मैं जानती हूं मेरी बहू ने हमारे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी कुर्बानी दी। कोई उसे समझ नहीं पाया, बस एक मई जी और मई थे जो हमेशा प्रीता का साथ दिया करते थे। आज मैं करण की माँ होने के नाते, प्रीता की सास होने के नाते फक्र के साथ कहती हूँ, मेरे करण ने जो किया बिल्कुल सही किया। एक अच्छे पति होने का फर्ज निभाया है मेरे बेटे ने। उसने ऐसा किया क्योंकि करण को पूरा यकीन है प्रीता पे। जो लड़की एक मच्छर नहीं मार सकती, वो लड़की भला किसी लड़के का खून कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए जो प्रीता के सर गलत इल्जाम लगा था ना, करण ने वो इल्जाम अपने सर पे ले लिया और ये साबित कर दिया कि वो एक अच्छा पति है। अब तुम ही बताओ, जब प्रीता ने हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया, अब भी अगर उसका पति उसके लिए खड़ा नहीं होता, तो फिर कब खड़ा होता? और अगर करण ये नहीं करता ना, तो मैं खुद को लानत देती, खुद को बोलती कि राखी तूने करण को परवरिश ठीक से नहीं दी। आज उसने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस घर की ढाल को बचा के, मेरी प्रीता को बचा के, मम्मी आज तो तुमने प्रीता के बारे में कहा है ना, दोबारा फिर कभी मत कहना कि प्रीता इस घर की सिर्फ बहू नहीं है, वरदान है वो इस घर के लिए। प्रीता ने अक्षय का खून नहीं किया, सुना तुमने? अक्षय का खून किसी और ने किया है। Absolutely right, प्रीता जी मच्छर को नहीं मार सकती है, इंसान को क्या मार? I'm sorry, वो आप कुछ कह रही थी ना आंटी जी, प्लीज कंटिन्यू। आप यही कह रही थी ना कि प्रीता जी ने अक्षय का खून नहीं किया है? यू आर एब्सोल्युटली राइट।
फिर से प्रीता प्रीता प्रीता, इन लोगों ने तो प्रीता को देवी बना दिया। देवी नहीं, महादेवी। भाभी जी ने लेक्चर तो बहुत लंबा सा दे दिया है प्रीता पुराण का, पर मैं कोई माफी शफी मांगने वाली नहीं हूँ प्रीता देवी से, और इस लफंतर के सामने तो बिल्कुल नहीं। कृतिका, अरे बेटा वहाँ क्या कर रही है? दामाद जी को अंदर ले जा, थक गए होंगे, चल 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 वो आराम करेंगे। अरे ले जा। चलें पृथ्वी जी। चलो एक सेकेंड। चाची जी। हाँ पुत्र। आपको मैं चाची माँ बुला सकता हूँ? हाँ हाँ। आपको देख के ना मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मुझे हेडेक हो रहा था, मौसम ऐसा है, गर्मी इतनी है, आपने मेरे मन की बात पढ़ ली। कितनी समझदार है आप, थैंक यू। बहुत अच्छा है पुत्र। सॉरी किस बात का प्रीता बेटा? देखा मैंने कहा था ना बहुत जल्द तुझे छुड़वा लेंगे, तू घर वापस आ गई। बिट्टू जी भाई साहब, कहा था ना मैंने कि हम अपनी बेटी को बहुत जल्द छुड़वा लेंगे, पहली सुनवाई में वो घर वापिस आएगी। ठीक आ गई वो। आपको सब कुछ याद आ गया? क्या क्या भूला था मैं? मैं भी क्या बात है लेके बैठ गई, वो मैं खामखा वो पड़ोसन की बात लेके बैठ गई तो आपका। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, मेरी तबीयत को क्या हुआ? और करण दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि इन्हें किसी भी बात का या किसी भी इंसिडेंट का किसी भी तरह का शौक नहीं लगना चाहिए। अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों है, कहाँ है करण? क्या वो तुम रो क्यों रही हो प्रीता? क्या हुआ बेटा, कहाँ है करण? बोलना बेटा, सब ठीक है ना? So, कैसा लगा आपको आपका नया रूम? सोच रहा हूँ लूथरा हाउस पे कब्जा कर लूं। मतलब मन कर रहा है परमानेंटली शिफ्ट हो जाऊं यहाँ पर। एनीवे आपका सामान तो आ गया, लेकिन बाकी सामान मैं भिजवा देती हूँ। कुछ भी चाहिए प्लीज बताना, जस्ट बी कंफर्टेबल। ओके स्वीट ऑफ यू। क्या हुआ? मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। क्या? अब तक हमें क्या लग रहा था कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ? पर वो कोई था नहीं है, वो थी है। What? हाँ, और वो थी का नाम है मेघा। Are you 100% sure? I'm 1000% sure, baby. 1000%. कोर्ट हियरिंग के बाद जब हम कोर्ट के बाहर थे, मुझे ब्लैकमेलर ने कॉल किया था,
मैं उस वक्त उसका फोन रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि लूथरास मेरे आसपास थे, सारे फैमिली वाले आसपास थे। उसके बाद जब मैंने ब्लैक मिलर को कॉल बैक किया तो किसकी घंटी बजी? किसकी? मेघा की। उसका फोन रिंग कर रहा था और कुछ वक्त बाद जब मेरी उससे बात हुई तो मुझे लड़के की आवाज सुनाई दी। मतलब ये कि मैंने पता लगा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो कार में बैठ के मुझसे बात कर रही थी, वॉइस चेंजर मशीन यूज करके बात मेघा ही कर रही थी, लेकिन सुनाई किसकी आवाज दे रही थी? लड़के की। पृथ्वी तुमने खून किया ना, तुमने खून किया पृथ्वी, पृथ्वी तुमने खून किया, पृथ्वी तुमने खून किया। और मैं थक गया तुम्हें समझा समझा के कि मैंने खून नहीं किया है। तुम्हें पता तुमने मुझे कितना परेशान किया, कितना इरिटेट किया, ये बोल बोल के कि खून तुमने किया, तुमने किया है। अब हो गई तसल्ली कि खूनी कौन है? मेघा। बेबी तुम्हें अब भी मुझ पे शक है क्या? तुम क्या सोच रही हो? मैं तो सोच रही हूँ कि तुम आज कितने खुश होगे। करण जेल में जो चला गया हमेशा हमेशा के लिए, अब तुम्हारे और तुम्हारे प्यार मेरा मतलब तुम्हारी नफरत के बीच में कोई नहीं आएगा। करण से सबसे ज्यादा नफरत जो करते थे तुम। वो तो पक्की बात है, बट भगवान का लाख लाख शुक्र है, थैंकफुली तुम्हें पता चल गया, फाइनली तुम्हें पता चल गया, समझ में आ गया तुम्हें कि अक्षय का खून मैंने नहीं किया है। वो बात मुझे पहले ही समझ में आ गई थी। आई एम सॉरी पृथ्वी, मैंने तुम पे शक किया, लेकिन तुमने जब कहा था कि वो कपड़ों पे खून नहीं केचप है, मैंने जाके चेक किया और तुम सही थे, वो केचप ही था। और मेरा शक दूर हो गया कि तुमने अक्षय को नहीं मारा। आई एम सॉरी। मतलब तुमने मुझ पे विश्वास नहीं किया था, तुम्हें प्रूफ चाहिए था। जब तुम्हें प्रूफ मिल गया तब तुमने मुझ पे विश्वास किया। नहीं नहीं, मुझे सब समझ में आ रहा है। हमें ना कैसे भी कर करण को बहुत जल्दी जेल से निकालना है। मैंने सोचा है मैं डैड से बात करती हूँ, उनके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो हेल्प करेंगे, मैं कॉल करती हूँ। क्या? क्यों? जो भी हुआ है ना बहुत अच्छा हुआ है, बिगाड़ो मत उसे। जो गया सो गया, अब उसे वापस लाने की कोशिश मत करो। अब समझ में आया, मुझे तुम्हारा पूरा प्लान समझ आ रहा है। तुम चाहते हो करण वहां जेल में रहे ताकि तुम यहाँ पर प्रीता के साथ रोमांस कर सको, राइट? शट अप, जस्ट शट अप, ओके? चुप रहने से सच नहीं बदल जाएगा ना, यही है। शट अप, ओके? तुम ना मुझे जानती नहीं हो, हाँ, कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ, और इससे पहले कि देर हो जाए समझ जाओ। बेबी इसे समझा दो, मैंने जो भी किया है अच्छा किया है, और जो चाहता हूँ क्यों चाहता हूं। तुम्हें सच में नहीं समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। क्यों? मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ? शर्लिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है वो कर क्या रहा है? कितने सालों से उसके साथ हो, तुम नहीं जानती हो वो क्या करना चाहता है। अगर नहीं जानती हो तो मैं उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देती हूँ, मैं गारंटी लेती हूँ वो तुम्हें छोड़ देगा। मैं बता रही हूँ वो छोड़ देगा, वो तीन लड़कियों को कैसे हैंडल करेगा? कृतिका को, तुमको, प्रीता को। नहीं शर्लिन, वो ट्रिपल गेम खेलेगा, वो ना कृतिका से शादी करेगा, प्रीता से रोमांस करेगा, और तुम्हें छोड़ेगा वो। और सिर्फ एक ही आदमी है, वो है करण, जो उसको कंट्रोल कर सकता है। ट्रस्ट मी, मैं कह रही हूँ अगर तुम चाहती हो ये सब कुछ ना होना तो उसके लिए मेरी हेल्प करो, करण को बाहर निकालने में। ये माइंड गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ। तुम नहीं खेल रहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम हर वक्त उसके बारे में गलत सोचती हो। मैं और पृथ्वी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम एक काम करो, तुम हमारा पीछा छोड़ दो, प्लीज स्टे आउट ऑफ माय लाइफ। ठीक है, मैं बाहर ही रहती हूँ, जो होगा ना तब तुम देख। बात ही करना बेकार है। शर्लिन, पृथ्वी जी के रूम में तुम क्या कर रही हो? वो नया घर है ना कृतिका, तो मुझे पता नहीं है कि कौन सा कमरा कहाँ है। मुझे लगा मेरा कमरा है, ये तो किसी और का है।